गाइस कल तक हमारा रिमोट ही खराब था, आज गाड़ी भी खराब है। काय एवढा चालायला लागला का? हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे, क्योंकि आज है सैटरडे और मेरे कॉलेज की है छुट्टी। तो एज यूजुअल हमने बना लिया अपना टाइम टेबल, तो हम पढ़ेंगे शांति से, क्योंकि सुबह सुबह कोई उठा नहीं है, ऐसे मेरे को लग रहा था। पर मेरे उठने से मतलब मेरे उठने से पहले, नहाने से पहले दादा दादी मम्मी उठ चुके, पर दीदी और पापा सो रहे आराम से कुंभकर्ण की तरह, क्योंकि पापा की तो छुट्टी है आज सैटरडे वैसे भी, और दीदी तो क्या मतलब अपनी मालिक है वो खुद की, तो उसको कुछ कोई बोलता नहीं है, जाने दो। तो हम अभी पढ़ते शांति से, फिर बाद में फिर दीदी उठ जाएगी तो मेरे को परेशान करती है फिर, तो चलो पढ़ना चालू करते। गाइस मैंने क्या देखा, व्लॉग लेते लेते उठ चुकी है हमारी दीदी, मतलब आधी नींद में। नींद में हूँ, मेरे पास एक यूनिक एबिलिटी, मैं अगर सोई भी हूँ तो भी मेरे कान जगे होते, कोई मेरे बारे में क्या बैग बिचिंग करता है मैं सब पकड़ लेती हूँ। तो इसने अभी बोला कि मैं इसको डिस्टर्ब करती हूँ जबकि मैं बढ़ाती हूँ। तू रुक बेटा, अभी मैं नींद में हूँ, मेरे को सोने दे, सुबह उठ के देखो बराबर थी। सुबह हो गई है, पर सुबह नहीं हुई है अभी, मेरे लिए रात ही है। गुड नाइट। अरे नाइट स्क्रीन देखो, अपने आप बंद पड़ गया। गाइस कल तक हमारा रिमोट ही खराब था, आज गाड़ी भी खराब हो गई है, देखो खराब बंद पड़ गई है, चालू ही नहीं हो रही, बेचारा किक मार मार के थक गया है, चालू होती है फिर अपने आप बंद हो जाती है। आपकी कुछ टिप्पणी विशेष? टिप्पणी यही है, जिंदगी में जो प्लान करते हैं वो कुछ होता नहीं। सच में कल तक हमारी जेठालाल वाली जिंदगी चल रही है, फुल जेठालाल वाली जिंदगी। सुबह सुबह देखो स्क्रू ड्राइवर लेके हर्ष बोल रहे हैं मैं मैकेनिक बनूंगा, चालू करूंगा, बट हुआ नहीं इससे कुछ। चलो तो गाइस हाय हेलो नमस्ते, आज मेरा लंच देखो 5 बज गए शाम के 5 बजे वी आर हैविंग आवर लंच, क्योंकि सुबह से ऑलमोस्ट सब काम ही चल रहा था। पहले गाड़ी खराब हुई, फिर मैं ऑफिस गई, वहां से आने में लेट हो गया, वहां पे पूरा पेन देखो पूरा का पूरा इंक मेरे हाथ पे लग गया आज इस हाथ पे, तो अब रुको एक मिनट, सी ऑन दिस हैंड, फिर वो हो गया, फिर आते ही तुरंत मेरा क्लास था तो तभी भी टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं अपना लंच कर सोच। तो गाइस फाइनली मम्मी ने मुझे कुछ फ्रूट्स दिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, तो फटाफट ये फ्रूट्स खाते हैं। तो गाइस वेलकम बैक, आज आपको पता है हमारे कैमरा के पीछे कौन बैठे है, द लॉर्ड यानी हमारे पापा, क्योंकि दीदी सो चुकी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बारिश में शायद भीग गई थी कल, तो उसको थोड़ा मतलब फीवर जैसा लग रहा है, तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, टिप्पणी आज क्या आएगी, पापा को हमने लगा दिया काम पे कैमरा शूटिंग के, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद से, पर ठीक है मम्मी दो आज की टिप्पणी। हाँ तो अच्छी टिप्पणी अशी आहे की आज सॅटरडे ना आणि उद्या संडे आहे, तर थोडं रिलॅक्स, कसं मुलांना कसं अभ्यासाचं वगैरे टेन्शन असतं रोज, हे करा ते करा ते करा, तर तसं न करता थोडी विश्रांती पण घेतली पाहिजे, कसं सॅटरडे आहे उद्या संडे आहे तर विश्रांती। नोट कर लेना, आज सॅटरडे आहे कल संडे, यूपीएससी के पेपर में आ सकता है, सॅटरडे के बाद क्या आता है संडे, किती वेळा बोलते बोल ना सफा सफा, तर थोडी विश्रांती रिलॅक्स राहा, असं विश्रांती घ्यायला माणूस झोपायला जायला लागतो, इकडे 12 वाजेपर्यंत झोपतच नाही मी, मग झोपा ना लवकर जरा झोपा आणि रिलॅक्स राहा, असं विश्रांती घ्या, असं थोडं अभ्यासात ताण तणाव असतोच ना मुलांना, तर थोडस कमी करा आणि निदान म्हणजे एक रात्र वीक ऑफ मध्ये एक संडे ऑफ तरी चांगला, वीक ऑफ मध्ये संडे ऑफ घ्या ठीक आहे, संडे ना व्यवस्थित विश्रांती, चांगली झोप घ्या आणि संध्याकाळी संडे आणि फंडे आराम से रेस्ट करो, लाइफ एन्जॉय करो, चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।